Yeah, how are you, madam? I'm fine, sir. Yes, yes, how are yes. you at fine, last? Fine, fine, fine. At last, sir, बहुत दिनों से थी तमन्ना आपसे मिलने की. आपके प्रोडक्ट्स ने इतनी धूम मचा रखी ई बाइटोरियम में, तो मैं चाहती थी इस सिलसिले में आपसे कुछ सवाल करूं, सर. बिल्कुल, डेफिनेटली. इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है, और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है. ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है. इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है, और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू रेंडर मेडिकल और प्रोफेशनल सर्विसेज एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस और एज अ Substitute for any healthcare medicines or products. E-Biotorium does not make any therapeutic claims regarding the health benefits of our products. E-Biotorium gives no guarantee or warranty, expressed or implied. Content in this film is not intended to substitute for the advice of doctors, and if required, one should consult their own doctors before use. सर, ये जो प्रोडक्ट है ई बायोटोरियम, ये आपके माइंड में आया कैसे? आपने कैसे इसकी शुरुआत की? एक्चुअली बायोमैग्नेटिज्म हमने तकरीबन 2008 से शुरुआत की बायोमैग्नेटिज्म की. ये प्रोडक्ट को जब मैंने देखा, जब इंडिया में बिल्कुल भी इसका अवेयरनेस नहीं था, जीरो के बराबर इसका अवेयरनेस था, और 2008 में ये प्रोडक्ट सिंगापुर से इंडिया में आया था, एक ब्रेसलेट के स्वरूप में आया था, और मैंने उसके पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन देखे, और उसके जो हेल्थ के एक्सपर्ट आए थे सिंगापुर से, यूएसए से कोई साइंटिस्ट आए थे इंडिया में, और उनको ये बायोमैग्नेटिक की प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करनी थी, तो मैं उनके साथ बैठा. हालांकि मैग्नेटिज्म में मेरी एक्सपर्टी पहले से भी थी, लेकिन हम लोग नॉर्मल मैग्नेट के बारे में समझते थे, जानते थे. ये बायोमैग्नेट, ये नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं उन साइंटिस्ट लोगों के साथ बैठा, उनसे मैंने समझ के लिया कि ये मैग्नेट क्या है. और आज ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी ह्यूमन को ये मैग्नेटिज्म की एनर्जी चाहिए. तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने स्टडी की, और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में बहुत डेप्थ है, लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज सारी की सारी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में डेवलप होती है. तो फिर मैंने उसके ऊपर जाके और साइंटिफिक स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ये आज हर घर की जरूरत है. तो फिर हम धीरे धीरे उसमें स्टडी करते गए, रिसर्च करते गए, बहुत सारा उसमें हमने प्रैक्टिकल किया, और बहुत सारा जाके इंटरनेट पे स्टडी किया. बहुत सारे बुक्स इससे रिलेटेड हमने बाय किए. यूएसए और सिंगापुर से जो साइंटिस्ट आते थे, उनसे भी हमने उस दरमियान बहुत सारा सीखा, और फिर इसको लेकर आज तकरीबन 16 साल के करीब हुए, और 16 साल से हम लोग इसको पूरे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड हम लोग लेके जा रहे हैं. आज इंडिया के अंदर तकरीबन 29 स्टेट में हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम चालू है. आप खाली गूगल पे जाके, यूट्यूब पे ई बायोटोरियम इतना डाल दो, आपको लाखों वीडियोस और लाखों टेस्टिंग, हजारों टेस्टिमोनियल्स आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में मिलेंगे. और बस इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड जाने की प्लानिंग है. सो ग्लैड टू नो सर, आपकी जर्नी स्टार्ट करने की. सर, एक क्वेश्चन है कि लोग आजकल एलोपैथिक से बहुत परेशान हैं. मैक्सिमम लोग जो हैं वो नेचुरल अल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली बायोमैग्नेटिज्म की तरफ. सर, ऐसा क्यों है? इससे किस तरह की बीमारियों पे फ़ायदा होता है, और लोग क्यों इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज एलोपैथिक आप देखोगे तो जगह जगह पे मेडिकल स्टोर्स खुले, गली गली में मेडिकल स्टोर्स है, और वो जो एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपको इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस में बहुत अच्छा है, मतलब वो कुछ ख़राब नहीं है. लेकिन एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है उसमें केमिकल्स
और ड्रग्स होते हैं और वो हमारे शरीर के ऑर्गन पार्ट को और ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। तो जितना हो सके एलोपैथिक दूर रहना है, और खास करके जो बॉडी हमारी कुदरत ने जो बॉडी बनाई है, जो फाइव एलिमेंट्स से हमारे जो बॉडी बनी है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। खास करके मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा बताता हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कि हमारा जो बॉडी है ये फाइव एलिमेंट्स से बना है। वो फाइव एलिमेंट्स अगर आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो आपको ये मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। वो इमरजेंसी केस में आपका एक्सीडेंटल केस में वो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये फाइव एलिमेंट्स आपको प्रॉपर मिलने चाहिए। अभी फाइव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे हवा, पानी, खुराक यानी खाना, सन की रेज, और फिफ्थ एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। वो अगर हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खाना ही दवा का काम करता है। अच्छा ओजोन, ऑक्सीजन मिलेगा आपको, सन की रेज मिलेगी। खास करके आज हम लोग पृथ्वी से काफी दूर जा चुके, और ये बायोमैग्नेटिज्म, ये इट्स अ वेरी रेयर अर्थ नेचुरल बायोमैग्नेट, ये जमीन से लाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है, और उसके कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। तो अगर आप आपके ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी अगर आप परफेक्टली रखोगे तो भी आपके बॉडी में कोई डिसीज नहीं होगा, बिकॉज हमारा बॉडी पंच तत्व से तो बना ही बना है, लेकिन पूरा शरीर हमारा ब्लड सेल से बना है। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, तमाम बॉडी हमारी ब्लड सेल से बनी है, और ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, और अर्थ ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, और बायोमैग्नेटिज्म ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। तो मेरी एक पंच लाइन है, मैं 16 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, 99.99% causes of the disease and disorder or any type of dysfunction or any type of pain only due to lack of blood circulation or oxygen level. जब आपके शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो आज आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, और अपने लेफ्ट और राइट में दो लंग्स है, छोटे छोटे 600-600 ml के ऑक्सीजन के सिलेंडर से, जो अपने लंग्स का जो ऑक्सीजन है हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होना चाहिए वो ऑक्सीजन, लेकिन आज वो बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैग्नेटिज्म की यही खासियत है, मैग्नेटिज्म के ऊपर हजारों बुक्स है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी। तो मैग्नेटिज्म का बॉटम लेवल कंक्लूजन एक ही है कि बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। देखिए टोटल बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बना है, तो ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? ऑक्सीजन। मान के चलो एक 65 केजी वजन की अगर एक ह्यूमन बॉडी है, तो एक 65 केजी के ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 120,000 कैलोरीज होती है, और उस 65 केजी के बॉडी को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरीज सफिशियंट है। मतलब वो ह्यूमन बॉडी वर्स्ट केस में 7 दिन तक जिंदा रह सकती है। पर डे 2000, 120,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो ह्यूमन बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी सप्लीमेंट जिंदा रह सकती है। पानी के बगैर हमारा ह्यूमन बॉडी 15 से 16 दिन तक जिंदा रह सकता है वर्स्ट केस में, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही दबा ले, अगले 40-50 सेकंड में आपको खुद ही उसका जवाब मिल जाएगा। हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें सबसे सेंसिटिव हमारा ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन को 45-50 सेकंड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन के ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते, और ब्रेन डेड हो गया तो पूरा बॉडी डेड। हमारे शरीर में सबसे पहला ब्रेन डेड होता है, उसके बाद अलग अलग टाइम में हमारे सारे ऑर्गन पार्ट डेड हो जाते हैं। मतलब 2 से 2.5 घंटे के अंदर टोटल बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स हमारे डैमेज हो जाते। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है, और वो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही हम पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में बायोमैग्नेट बहुत बड़ा हेल्प करता है, और उसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है, और ऑक्सीजन का महत्व एक
ऑक्सीजन को एक्चुअली प्राणवायु बोला जाता है, तो उस प्राणवायु के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपने अभी देखा कोरोना में लाखों लोगों की मौत हुई, इवन डेवलप कंट्रीज में भी लाखों लोग मारे गए। यूएसए जैसी डेवलप कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में आप अगर 2020 की बात करो तो लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे। कोरोना से लोगों को मरने का क्या कारण है? ऑक्सीजन की कमी। आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही थी, मतलब जब आपके बॉडी के अंदर के ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां से दुनिया की कोई भी बीमारी आपके ब्लड सेल्स ही शरीर के अंदर एंटर करके पूरे शरीर में घर कर देती है। तो कोई भी बीमारी उठा के देख लो, उसके पीछे आपको रूट कॉज ऑक्सीजन की कमी दिखेगी। ऑक्सीजन क्यों कम हुआ? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का क्या कारण, वो भी आपको समझना है। ब्लड सर्कुलेशन आपका क्यों डिस्टर्ब हुआ? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने का कारण ये है कि आज आपके 3 फीट में लोहा है और एनवायरमेंट में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, मतलब हमारा अर्थ खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट्स कॉल्ड जियो फ्रिक्वेंसी। तो जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी भी मौजूद है। लेकिन आज हमारे 3 फीट में लोहा होने के कारण, जैसे ये फ्लोरिंग है, ये टोटल लोहे की बनी हुई, इसमें लाखों टन का लोहा यूज किया गया, ये छत लोहे का बना हुआ है, तो अपने आजू बाजू में लोहा ही लोहा है, कार, बाइक, ट्रक, बस, तमाम चीजें लोहे की बनी हुई, और जिसके कारण एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है, जो नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, और उसके कारण हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं, और ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने से हमारा ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाता है, और ऑर्गन पार्ट कमजोर होने से पूरा बॉडी हमारा बीमार पड़ जाता है, अलग अलग डिसीज, डिसफंक्शन और डिसऑर्डर हमारी बॉडी में होते हैं। तो हमेशा एक ही ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रखो, ऑक्सीजन परफेक्ट रखो, दुनिया की कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। तो ये इसका कंक्लूजन है, बायोमैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन, और ये पूरा साइंस है, इसके ऊपर पूरा साइंस है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का साइंस है, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैग्नेट। बहुत बार मैग्नेट में भी दो टाइप के मैग्नेट्स, एक आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, ये जो अपने ई बायटोरियम के जो मैग्नेट्स हैं, ये किस तरह के मैग्नेट्स हैं सर, और ये कैसे काम करते हैं? ये जो मैग्नेट्स हम इसमें यूज करते हैं पिछले 16 साल से, ये टोटली नेचुरल मैग्नेट्स हैं। आज तक हम लोग जो फ्रिज के ऊपर और कबर्ड के ऊपर जो बचपन से खेलते आए मैग्नेट, वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट ही है। ये धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से कम 700 से 800 फीट नीचे से स्पेशल माइनिंग करके उसको लाया जाता है, मिनरल बेस में होता है, और उसमें निकेल कोटिंग किया जाता है, ऊपर से उसकी जो कोटिंग होता है जैसे सिल्वर आपको दिखता है, दैट इज द निकेल कोटिंग, और उसके अंदर पूरे मिनरल्स होते हैं, वो अर्थ का नेचुरल मैग्नेट है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे नारियल का पेड़ से हमने नारियल तोड़ा और पी लिया, बस वैसा ही है, मैग्नेट की कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो नेचुरल मैग्नेट है, और इमीडिएट बेसिस पे काम करते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का, नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी का मैग्नेट है, वो हमारे शरीर पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, और हमारा बॉडी भी उस मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। सर, आपने कहा कि अर्थ एक मैग्नेट का गोला है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है सर, मुझे एक थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ना। नहीं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, हम लोग तो स्कूल में पढ़ चुके हैं, हमारा अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है, उसी के कारण इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। अब ये अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे रिलीज करती है, उसके बारे में हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी बेसिकली होती क्या है और मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अर्थ कैसे रिलीज करता है। मेरे पास एक अर्थ है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। वैसे तो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के बारे में हमने स्कूल में काफी पढ़ा होता है, जैसे आउटर कोर, इनर कोर, लेकिन स्कूल के दिन अलग होते हैं, स्कूल के दिनों में आज हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, और उसी मैग्नेटिज्म को याद दिलाने का काम आज हम कर रहे हैं। आज हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ग्लोब है, मैं ग्लोब के थ्रू आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द आउटर कोर, व्हाट इज द इनर कोर, और व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा ग्लोब है, और हमारी अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करती है, और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे रिलीज होती है, बिकॉज ऑफ आउटर कोर। ये जो आपको येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये है आउटर कोर, ये है
लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस गरम निकेल एंड आयरन का समंदर, लोहे का समंदर 6000 डिग्री सेल्सियस गरम। अब 6000 डिग्री सेल्सियस गरम का मतलब होता है 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो हमारी पृथ्वी आपको तो मालूम है कि बहुत हजारों के स्पीड से घूमती है। जब वो पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के पेट के अंदर का जो ये आउटर कोर एरिया है, जो लोहे का समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है और एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट होती है और वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा बॉडी एब्सॉर्ब करता है और उसके कारण हमारे शरीर के हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कूल एंड पुश होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए वो हेल्पफुल होता है। हमारा हार्ट उस एनर्जी से पंपिंग करके पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। तो हम लोग जो मैग्नेट हमारी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, ये नेचुरल रेयर अर्थ वेरी स्पेशियस बायोमैग्नेट हम लोग यूज करते हैं। तो ये अर्थ के नीचे तकरीबन 600 से 800 फीट नीचे से इसको माइनिंग करके लाया जाता है। सर, आपके जो ई बायोटोरियम के जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी बीमारियों पे काम करते हैं? बेसिकली आपका जो सवाल है ना, ये जो बायोमैग्नेट है ये कुछ किसी बीमारी की दवा नहीं है, कोई इनटेक वाली प्रोडक्ट नहीं है। बायोमैग्नेटिज्म इज अ अल्टरनेटिव एक्सटर्नल नॉन इन्वेसिव प्रोडक्ट, ये आपको एक्सटर्नल यूज करना और ये किसी पर्टिकुलर बीमारी की दवा नहीं है। वैसे तो सेकंडो टाइप की बीमारी है लेकिन वो ये कोई बीमारी की दवा नहीं। बेसिकली ये मैग्नेट क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो आयरन है उसके साथ अट्रैक्ट होके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में बॉडी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है और जितना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा उतना हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे। बेसिकली दुनिया में मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट होते, आयरन कभी भी दूसरे किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं होता और मैग्नेट भी दूसरे किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं होता। तो हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेटिक एनर्जी है। तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैग्नेट आयरन के साथ अट्रैक्ट होके लाइट की स्पीड से हमारे शरीर के अंदर फैलना शुरू कर देता है और हमारे जो लेफ्ट और राइट में जो लंग्स है उसको पूरे शरीर के अंदर फैलाता है। तो उसको जरा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है और उसकी लंबाई तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर है। तो अभी मान के चलिए सामने जो ये आयरन ऐसा समझ के चलिए और ये पीछे का जो काला कलर दिख रहा है वो आपको, आप उसको आयरन समझिए या मैग्नेट समझिए इसको। अब मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ, पीछे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक खाली जगह पैदा हुई। मान के चलो हमने ग्लास में पानी पिया, आधा पानी पिया आधा छोड़ दिया, तो अब क्या, ग्लास के आधे में क्या है, ऑक्सीजन, खाली जगह यानी ऑक्सीजन, जहां पर खाली जगह वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यहां पर भी वैसा ही हुआ। इसमें सिंपल लॉजिक है, अगर ये इंजेक्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मैग्नेट आयरन को लेके भागा तो खाली जगह पैदा हो गई। अच्छा, हमारी ब्लड वेसल कितनी लंबी है, 1,00,000 किलोमीटर। अब ये 1,00,000 किलोमीटर क्या है मालूम है आपको, हमारी जो ओरिजिनल अर्थ है, हमारी ब्लड वेसल अगर हम निकालेंगे तो 7 बार उस अर्थ को हम लपेट सकते, इतनी बड़ी ब्लड वेसल हमारे बॉडी में है। तो अर्थ मैग्नेट जब ये आयरन को आगे लेके भागता है तो खाली जगह पैदा होती है और साइंस क्या बोलता है, जहां पर खाली जगह है, जहां पर वैक्यूम है, वहां पर ऑक्सीजन चला जाता है। तो अपने नाक से जो सांस ली लेफ्ट और राइट के लंग्स में वो स्टोर है, जैसे ही उसको वैक्यूम मिल जाता है, खाली जगह मिलती है, तो लंग्स की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में चली जाती है और ब्लड वेसल में जब चली जाती है तो बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा परफेक्ट होगी तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। तो ये इसका आंसर है। ये किसी भी बीमारी की कोई दवा नहीं है। मैग्नेट ये अल्टरनेटिव थेरेपी के अंडर में आता है, ये एक्सटर्नल, बाकी आपके दवा वगैरह आपको चालू रखनी डॉक्टर के, उसको आपको बंद नहीं करना है। दिस इज द एक्सटर्नल नॉन इन्वेसिव 100% नेचुरल थेरेपी बायोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। सर, ई बायोटोरियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं? बिल्कुल, अभी हमारे पास बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है, वाटर एनर्जी पैड है और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड भी हमारे पास। जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है, बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है, इसको हाथ में ऐसा पहनाना है आपको, बस इसको पहन के रखना, बिकॉज इसके अंदर हाई इंटेंसिटी के ब्रेसलेट्स और इसके बेल्ट हमने जानबूझ के ज़्यादा दिया है, बाद में आप इसको कट भी कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ज़्यादा दिया कि बहुत सारे लोग हाथ में पसंद नहीं करते पहनना, तो आप आर्म्स पे भी लगा सकते, पैर में भी आप उसको बांध सकते, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप सेट करो, बाद में इसको कट करना है, इसको कट कर देना है और यहाँ पे थोड़ा स्टिच कर देना है आपको। ओके सर, ओके। तो ये मैग्नेटिक पावर हमेशा आपके साथ रहेगी, जस्ट फिट एंड फॉरगेट, ये पहनो, मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। सर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ई बायोटोरियम के, ये कितने दिनों में रिजल्ट दिखाता है?
बेसिकली क्या, इसका कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। आपकी बॉडी कैसी है अंदर से और कितनी डैमेज हो चुकी है, उसके ब्लड सेल्स कितने डैमेज हो चुके हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका नशा करने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, ये सब चीजें उसमें मायने रखती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है और हो सकता है 100 में से 5-10% लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिले कि उसकी बॉडी उसने कितनी डैमेज कर दी, उसके ब्लड सेल्स कितने डैमेज कर दिए, उसके बहुत सारे मतलब इश्यूज है। तो ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और हम लोग ऐसा कोई टाइम लिमिट देते ही नहीं तो क्या होता है, बंदा अपना घड़ी में टाइमर लगा के बैठ जाता है, बोले आपने 15 दिन बोला था, 10 दिन बोला था। तो ये आपको पेशेंसली वेट करना है। मैग्नेट तो मैग्नेट का काम उसी सेकंड से करना शुरू कर देता है, मैग्नेट हमारे शरीर पे उसी सेकंड इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। डिपेंड कि आपकी बॉडी उसको कैसा रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बॉडी जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी उतना अच्छा रिजल्ट, उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी बॉडी अगर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपके ब्लड सेल्स अगर डैमेज है तो उसमें वक्त भी लग सकता है और हो सकता है कि कुछ लोगों को उसके रिजल्ट नहीं भी मिले। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, बिल्कुल, तो उसमें क्या मैग्नेट्स जो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, तो मैग्नेट्स जो आप यूज करते हैं वो सब क्या अलग है, उनकी रेंज अलग है या गॉज अलग है, उसके बारे में कैसे बताएं? जनरली मैग्नेट हमारे सेम ही रहते हैं, कोई कोई हमारा जो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसमें हम लोग साइज और क्वांटिटी अलग अलग होती है, लेकिन लगभग सब सेम ही होता है हमारा। तो प्रीमियम क्वालिटी में आपके मैग्नेट्स ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, एक रेगुलर क्वालिटी होती है, प्रीमियम क्वालिटी में फैब्रिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, एंड देन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें हम थोड़ा मैग्नेट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो जिससे क्या होता है रिजल्ट मिलने में थोड़ा आसानी हो जाता है, एंड देन वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि उसके मैग्नेट की साइज और क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर मेरे को अलग अलग, मेरे पास अलग अलग साइजेस है, आप देख सकते हो, तो अलग अलग साइज है, ये तो मेरे पास और भी बड़ा मैग्नेट है, इससे भी बड़े बड़े मैग्नेट्स आते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग साइज होती है, जैसे ब्रेसलेट है उसके मैग्नेट की साइज अलग है, वाटर एनर्जी पैड है उसकी साइज अलग है, देन हमारा जो मैट्रेस होता है उसकी साइज अलग है, प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं उसके मैग्नेट की साइज अलग होती है, उसमें हर एक में क्वांटिटी भी अलग अलग होती है, लेकिन हम उसको साइंटिफिक वे से पूरा रिसर्च करके बनाते हैं कि कितना उसमें रिक्वायर्ड है, जितना जरूरत है उतना हम लोग उसमें देते ताकि रिजल्ट मिलता रहे लोगों को। सर भारत डायबिटिक्स की राजधानी बन चुकी है और यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको डायबिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की भी उतनी ही प्रॉब्लम है, क्या ई बायोटोरियम ये प्रोडक्ट हेल्प करता है उसमें? बेसिकली क्या होता है, आपको डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है, बेसिकली आप जो भी फूड खा रहे हो उसका 2 से 2.5 घंटे के बाद कन्वर्जन ग्लूकोज और फैटी एसिड में होता है, और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, क्योंकि जब आपने खाना खा लिया उसका ग्लूकोज बन गया और साइमल्टेनियसली साथ साथ में पैनक्रियाज इंसुलिन भी बनाता है, पैनक्रियाज को ग्लूकोज को जलाने के लिए आपके बॉडी के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए जो आज हमारे शरीर में कम है, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा होने के कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रही, तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाता क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो हमारे बॉडी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिलता, और नहीं मिलने के कारण वो ग्लूकोज को थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, तो जिससे क्या होता है आपके शरीर में शुगर भी बढ़ती है और फैट भी बढ़ता है, डायबिटीज के कारण मल्टीपल बीमारियां होती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होती है। तो अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो मैग्नेट क्या करता है, इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट, एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर शरीर में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को जो जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो मिल गया। जैसे आमतौर पर आप अगर मोमबत्ती का भी आप एग्जाम्पल लेते हो, मोमबत्ती को आप जला और उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रखो तो 10-15 सेकंड में बुझ जाती, क्यों बुझी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला। तो सेम थ्योरी है, आपको जो डायबिटीज हो रहा है, आपने जो खाया, जो ग्लूकोज पैदा हो गया, इंसुलिन उसको जला नहीं पाता क्योंकि प्रॉपर डिजॉल्व ऑक्सीजन आप में नहीं है। तो ये अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़ेगा तो मैग्नेट उसको काफी हद तक हेल्प करेगा। हम ये नहीं कहते कि डायबिटीज जाएगा वगैरह, हम ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करते ना, कंपनी कोई इस टाइप की वारंटी गारंटी देती है, लेकिन ये हेल्प जरूर करेगा आपको कंट्रोल में रखने के लिए या भविष्य में ना होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी काफी हेल्प करेगा। हमारे एक्चुअली प्रोडक्ट ये प्रिवेंशन के ऊपर है, तो ये भविष्य में कुछ ना हो करके एज ए प्रिवेंशन आपको ये प्रोडक्ट अभी से यूज करना है। जो बंदा हेल्दी उसने सबसे पहला यूज करना है,
जो अनहेल्दी उसको तो यूज करना ही करना है। तो इस तरह से हाई बीपी भी बैलेंस करता है, ये बेसिकली बैलेंस करता है हाई बीपी को, और टोटल बैलेंस करके आपको कंट्रोल में रखता है। क्योंकि हाई बीपी और डायबिटीज ये एक्चुअली दिमाग की तरह बीमारी, अंदर से आपको खोखला करता है। तो आपको ये मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोना है, मैग्नेटिक पानी को पीना है, ये ब्रेसलेट को पहनना है, तमाम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है आपको ये बायो मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने हैं। और बाकी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसको भी आपको कंटिन्यू करना है, योगा एक्सरसाइज सब कुछ आपको परफेक्टली करते रहना है। सर ये जो ब्रेसलेट आपने मुझे पहना है, ये लो बीपी और हाई बीपी दोनों को पहनना चाहिए? बिल्कुल, ये बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को मैग्नेट बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन उसमें एक आपको परहेज रखना है, अगर आपको लो बीपी है तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। आपको एल को ध्यान में रखना, एल मैंने लो, लो इसलिए क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो आपको लेफ्ट हैंड में लो बीपी के लिए पहनना है। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको राइट हैंड में पहनना है। अगर आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको राइट हैंड में ही पहनना है उसको। हाँ, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप पैरों में भी पहन सकते हैं, थाइज में भी पहन सकते हैं, इधर आर्म्स में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि आजकल देखा गया कि छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो किस एज ग्रुप से ये प्रोडक्ट ई बायोटोरियम उन्हें यूज करना चाहिए? देखो ये मैग्नेटिज्म जो है वो कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता है, तो इसको बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बुजुर्ग भी यूज कर सकते हैं। मतलब 10 दिन का बच्चा भी इसको यूज कर सकता है और 110 साल का बुजुर्ग भी इसको यूज कर सकता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये 100% नेचुरल है और ये प्रोडक्ट हर किसी ने यूज करना चाहिए। इसको अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग लेकर आ रहे हैं, हम लोग सोफे के लिए भी लेकर आ रहे, ऑफिस के चेयर के लिए भी लेकर आ रहे, कार के लिए भी मैग्नेटिक लेकर आ रहे, मतलब हर जगह पे हम लोग लेकर आ रहे, बाइक के लिए भी लेकर आ रहे, एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोग बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे। तो मैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको हमेशा यूज करना है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट नहीं है। सर एक फैमिली में जब एक प्रोडक्ट कोई मैट्रेस लेता है तो अल्टरनेट डेज ये लोग यूज कर सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स में से कोई भी? नहीं, बेसिकली ये प्रोडक्ट हर एक के लिए अपना इंडिविजुअल होना चाहिए। जरा भी अपने को कंजूसी नहीं करना है। अगर आपकी मैट्रेस है, आपके पास अगर 3x6 की मैट्रेस है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते कि हस्बैंड तकिया वापरता है और बीबी मैट्रेस वापरती है, या एक दिन वाइफ सोती है एक दिन हस्बैंड सोता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम कमाते किसके लिए? हमारे शरीर के लिए। हर चीज़ जब हम हमारे शरीर के लिए करते तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज। हर एक के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और हर एक का कैसा होता है, अपने अपने वायरसेस बैक्टीरियाज जो भी होते हैं उसमें वो जाते हैं, तो आपको ये हर बंदा अपना इंडिपेंडेंट यूज करेगा। जैसे वाटर एनर्जी पैड है तो हर एक का अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, ब्रेसलेट है तो अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, और आपकी जो मैट्रेस वो भी इंडिपेंडेंट रहेगी। ऐसा इसमें कभी भी कंजूसी नहीं करना है, हर एक को सेपरेट, और वो कांस्टेंट यूज करना है आपको, एक एक दिन छोड़ के नहीं करना, तो वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको इसको 365 दिन कंटिन्यू यूज करो, और आप इसको 365 दिन भी यूज करोगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आमतौर पर आदमी 8 घंटा सोता, 8 घंटे से ज्यादा सोने वाला भी पेशेंट, 8 घंटे से कम सोने वाला भी पेशेंट, तो औसत 8 घंटा आपको सोना चाहिए, और ज्यादा भी सोएंगे तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैग्नेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन हर बंदे ने अपना इंडिविजुअली यूज करना चाहिए। सर आपको इतना नॉलेज है मैग्नेट्स के बारे में, आई एम अमेज्ड कि आपने सर इतना रिसर्च कैसे किया होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि 16 साल से हम लोग एक ही सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ के हम लोग मैग्नेटिज्म पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग वी आर मैन्युफैक्चरर। तो मैग्नेटिज्म के बारे में जब मैंने इसको देखा तभी मुझे इसमें लगा कि इसमें डेप्थ है, तो उसमें फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, और मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों किताबें, मैं आपको कुछ किताबें दिखा देता हूँ, यू आर इंटरनेट के ऊपर भी करोड़ों पेजेस के इन्फॉर्मेशन, आप इंटरनेट के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन मैग्नेटिज्म ये सब कीवर्ड डालोगे तो आपको बहुत सारे पेजेस खुलेंगे, और इसके ऊपर बहुत सारे किताबें भी है, बहुत सैकड़ों किताबें, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ किताबें, यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी में है, प्लीज कम। सर ये सब आपकी किताबें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत सारी बुक्स है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इंटरनेट के ऊपर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी। तो ये बहुत सारी बुक्स है, तो मैग्नेट के बारे में हम लोग भी बहुत जबरदस्त अवेयरनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लेकर जा रहे हैं, तकरीबन 16 सालों से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, और आज के दिन में हम लोग 29 स्टेट में, भारत के अंदर 29 स्टेट में हम ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग तकरीबन 150 कंट्रीज में हमारा जाने का प्लानिंग है, जिसमें हमने न्यू जर्सी में ऑलरेडी हम लोग एंटर हो चुके हैं, नेपाल के साथ हमारी बात चालू है, कनाडा के साथ इंटरेस्टेड, पूरा कंट्री ओनर ही बना रहे। तो आने वाले दिनों में हम लोग 150 से भी ज़्यादा देशों में जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्टेड है,
क्योंकि हमारा ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, जितना चाहिए पूरे वर्ल्ड को हम लोग बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट सप्लाई करने की ताकत रखते हैं, और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा मुंबई में, वहां से हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड इस प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, और यही हमारा प्लानिंग है। और ये प्रोडक्ट जितने भी लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट चाहिए, प्लस हम लोग एनिमल और एग्रीकल्चर के ऊपर भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आए। और ये हमारे कुछ बुक्स है मैग्नेटिज्म के ऊपर, हमने कुछ इंग्लिश हिंदी में बुक्स बनाया, अभी रीजनल लैंग्वेज में भी हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स बनाने की। सर, ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स पूरी इंडिया में धमाल मचा रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड। लेकिन सर, कुछ लोगों ने बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बना करके मार्केट में, वेरी फेक प्रोडक्ट्स, उसके बारे में क्या कहना है आपका? बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो उसकी पायरेटेड वर्जन भी आते हैं, डुप्लीकेट वर्जन भी आते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस टाइप के कोई भी पायरेटेड डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके हेल्थ से रिलेटेड काम है, तो हमें ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना है। और ई बायोटोरियम आज दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वी आर इन्वेंटर, वी आर पायोनियर, वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। इसको बिल्कुल साइंटिफिक वे से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ये डुप्लीकेट वाले कभी कर नहीं सकते। मैग्नेट में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, सस्ता महंगा बहुत सारी चीज़ें होती है, देन उसमें कौन सा मैग्नेट यूज़ किया है मालूम नहीं है। और ई बायोटोरियम तो बहुत बड़ा ब्रांड है। मेन ये प्रोडक्ट की खासियत ये है कि 16 साल से मैं एक ही जगह पे बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, तो एक बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। 1000-2000 बचाने के चक्कर में कोई डुप्लीकेट, कोई सस्ती कंपनी से आपको प्रोडक्ट लेने का कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि आफ्टरऑल आपके हेल्थ का सवाल है, आपको 1000-1500 बचाना है या हेल्थ को ठीक ठाक करना है। तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट और ये पायरेटेड प्रोडक्ट बिल्कुल भी लेना नहीं, वो तो आमतौर पे हर क्षेत्र में होता ही है। एप्पल का भी डुप्लीकेट मिलेगा आपको, लेकिन हम लोग क्वालिटी दे रहे, वी आर अ ब्रांड, और ये प्रोडक्ट को इन्वेंट ही हम लोगों ने किया है। और फिर ये प्रोडक्ट जब कोई प्रोडक्ट चलता है या जिसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसमें डुप्लीकेट और पायरेटेड प्रोडक्ट तो आते ही है। एक क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले क्या हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बेसिकली हम तो कहते हैं करो करके, और अब जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने वाले उसको पहला मालूम भी तो होना चाहिए कि बायोमैग्नेटिज्म क्या होता है, क्योंकि एलोपैथी वाले को बायोमैग्नेटिज्म नेचुरल थेरेपी से कोई लेना देना नहीं होता है। बिकॉज डॉक्टर का रोल कब चालू होता है, जब आप आपके बॉडी की चिथड़ी उड़ा देते हो या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई डिसीज हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर का रोल जो है आपकी बीमारी होने के बाद उसका रोल चालू होता है, जैसे एक वकील का रोल बाद में शुरू होता है वैसे डॉक्टर का भी होता है। तो डॉक्टर के पास मैग्नेटिज्म का कोई ये नहीं होता, लेकिन अगर डॉक्टर को आप बता देते हो भाई मैग्नेटिज्म है, तो अभी उसको कितना नॉलेज उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको कैसा गाइड कर पाएगा। लेकिन मैग्नेट के कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी हम सेफर साइड लोगों को बोलते हैं भाई आप आपके डॉक्टर उसको बता दो, हो सकता है कि उसको उसका नॉलेज हो, एक प्रिकॉशनरी मेजर आप दिखा सकते हैं, बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, हमारे घर पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन, तो इन प्रोडक्ट्स को क्या दूर रखना पड़ता है उनसे? बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को दूर रखने की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते जैसे मोबाइल हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, उसको कॉन्स्टेंट उस मैग्नेट पे नहीं रखना चाहिए। एज अ सेफर साइड हम बोलते हैं कि भाई उससे दूर रखो, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रन होने नहीं देता। जैसे आपके पास अगर वॉच है तो मैं उसको मैग्नेट रख दूं, तो वॉच चलना बंद हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों से सेफर साइड आपको दूर रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, मतलब 2-3 घंटे से ज्यादा अगर रहेगा तो हो सकता है कि उसको डैमेज करे, उसको डिस्टर्ब करे। इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को दूर रखो, इलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आपको इससे, इस बायोमैग्नेट से दूर रखना है। सर, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, बहुत सारा नॉलेज मिला मुझे मैग्नेट के ऊपर। तो आपका आगे विजन और आपका मोटो मिशन क्या है इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने का? बेसिकली 16 सालों से हम उतरे ही हैं, हमने बहुत बड़ी तादाद में काम किया है, लेकिन अभी जो रिस्पांस हमें मिला है, तो इंडिया के 29 स्टेट में तो ऑलरेडी हम छा चुके हैं। अब हमें इसको लेकर तकरीबन 150 देशों का हमने प्लानिंग किया है। और मैं खाली इंडिया की बात करूं आप, तो अगले 5 साल में बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का 80-90 हजार करोड़ का मार्केट तो सिर्फ इंडिया में अगले 5 साल में, खाली इंडिया के अंदर 80-90 हजार करोड़। हम तो तकरीबन 150 देशों की प्लानिंग कर रहे हैं,
और मेरे पास 17 से 18 कंट्री के ऑलरेडी डिमांड आ चुकी है। रेगुलरली हमारा फोन चालू है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सब हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे आगे जाना है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑलरेडी मेरे पास 4-4 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस है, तो इसको हम लोग तकरीबन 150 से भी ज्यादा देशों में इसको हम लेकर जाएंगे। तो वैसे हमारी प्लानिंग चालू, बाकी इंडिया में तो बहुत मजबूती के साथ हम सब जगह फैले हुए, लोगों को ट्रिमेंडस रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास, हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। आप यूट्यूब के ऊपर ई बाई डोर में भी आप डाल देते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस और रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इस तरह से हमें जाना है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत जबरदस्त है। अभी हम लोग आने वाले दिनों में तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा यूनिट ले रहे हैं मुंबई नायगांव में, तो वहां पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड इसको लेकर जाएंगे। तो 150 देशों का हमारा प्लानिंग है, और बाकी बहुत अच्छा है, लोगों को रिजल्ट मिले, लोग अच्छी तरह से, इसको हम थोड़ा रेफरल तरीके से भी लेके जाते हैं कि एक दूसरे को रेफर करने के बाद भी इसमें अच्छा पैसा मिलता है, तो वो एक हमारा है, वो भी एक समझने जैसा है, तो उसको हम इन डिटेल्स बाद में समझाएंगे कैसा क्या है। लेकिन ओवरऑल ये प्रोडक्ट आज ईच एंड एवरी पर्सन की जरूरत है। आज ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल हर एक का डिस्टर्ब है, तो ये उसके लिए हेल्प करता है, तो ये प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मोबाइल सब यूज करते हैं और इसका रेडिएशन जो है हमारी हेल्थ पर बहुत असर करता है, तो ई बायटोरियम के जो प्रोडक्ट्स है ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी बॉडी पर? रेडिएशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, पहले 3G था, अभी 4G है, और अभी 5G आ रहा है। 5G तो 4G से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो रेडिएशन बेसिकली करता क्या, जब आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर का एक ही काम होता है एनर्जी को खींचना, और आपकी बॉडी एनर्जी है, हमारी बॉडी एनर्जी है। तो क्या आप मोबाइल जैसे हाथ में पकड़ते हो, तो वो मोबाइल के अंदर का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो हमारे एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने से ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैग्नेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट है मैग्नेट की, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देते, उसकी रिदम को एक ही रखता है। तो इस तरह से ये रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। आपकी जो मोबाइल या कोई भी रेडिएशन आपके बॉडी पे जो इफेक्ट करता है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को फ्लक्चुएट करके उसकी रिदम को तोड़ता है, तो मैग्नेट उसकी रिदम को और फ्लक्चुएशन को टूटने नहीं देता, वो उसको बरकरार रखता है, तो इस तरह से हेल्प करता है। तो रेडिएशन बढ़ता जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, हमें हमारा प्रिवेंशन लेना है, हमको उसका ख्याल रखना है कि मोबाइल या कोई भी रेडिएशन का हमारे बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हर एक ने ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, खास करके ई बायोटोरियम के ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आपको लेना है जी। बहुत सारे लोग ई बायोटोरियम का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बेचते हैं, तो उससे भी आपको ख्याल रखना है। सर, हमने बहुत सारे डेमो के बारे सुना है कि आपके प्रोडक्ट्स का डेमोज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हमें भी कोई डेमो सर देखने की इच्छा है। हमारे इस एकदम परफेक्ट साइंटिफिक डेमो हम करते हैं, और साइंटिफिक डेमो में आपका भी दिखा भी देता हूँ कि साइंटिफिक डेमो होता कैसे है जी। बेसिकली आज हमारे जगह जगह पे डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, सिग्नल पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह पे हम डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि इसका जो मैग्नेट का जो इम्पैक्ट है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये मैग्नेट हमारे शरीर पे बोलना शुरू कर देता है। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा, हमारे जैन साहब वहां पर बैठे हुए, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि एक डेमोस्ट्रेशन उन पे हो जाए, मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूं। तो एग्जैक्टली ये बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इफेक्ट करता है, उससे एक साइंटिफिक डेमो मैं हमारे जैन साहब के साथ आपको डेमो करवाता हूं, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो डेमो होता कैसे है और उसके पीछे का साइंस क्या है। यस जैन साहब, मोस्ट वेलकम, हाउ आर यू? तो एक साइंटिफिक डेमो, जीरो ग्रेविटी फोर्स का एक डेमो मैं दिखाता हूं आपको, कि हमारे बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइट की स्पीड से कैसी स्प्रेड होती है, उसके बारे में अभी मैं डेमोस्ट्रेशन करूंगा। तो जैन साहब, आपके ऊपर मैं डेमो करूंगा, आप यहां पर आइए, और आपके दोनों टोज एंड हील जॉइंट आपको करना है। अभी जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पैरों के अंगूठे और एडिया जॉइंट होना जरूरी है, टोटल जॉइंट होना चाहिए। अभी आपको हाथ सीधा करना है, हाथ के ऊपर हाथ को आपको रख देना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। जब भी हम डेमोस्ट्रेशन करें तो बंदा एल एंगल में होना चाहिए, बिल्कुल कमर में एकदम स्ट्रेट, जस्ट लाइक ए बीम कॉलम, बॉडी एल एंगल में होनी सख्त जरूरी है, और दोनों एडिया और अंगूठे, पैरों के अंगूठे बिल्कुल जॉइंट होना चाहिए, तो ये डेमोस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनका विदाउट एनी मैग्नेट टेस्ट लेंगे, बिफोर एंड आफ्टर, तो अभी क्या है बाद में क्या आपको पता चल जाएगा। एल्बो स्ट्रेट, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कमर में बंदा स्ट्रेट होना चाहिए,
आई विल पुश यू अपवर्ड, यू हैव टू रेजिस्ट मी, ओके। मैं आपको ऊपर की ओर पुश करूंगा, आपको मुझे पूरी ताकत लगा के, आपके पास जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा के मुझे एटलीस्ट 8 से 10 सेकंड रजिस्ट करना है, ओके। चलिए 1 2 3 लगाई ताकत, जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाई। अनिल भाई बैलेंस कर नहीं पा रहे, ओके। तो बैलेंस नहीं कर पा रहे, दोबारा हम करके देख लेते हैं। आप जस्ट फील इट, आपको फील करना है टोज एंड हिल जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट, कमर में बिल्कुल सीधा, और आपको मैं ऊपर रजिस्ट करूंगा, आपको प्रेस करूंगा, आपको रजिस्ट करना है। 1 2 3 लगाई ताकत, क्लियर हो रहा है। देखिए टोटली इनबैलेंस हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अभी आप आगे देखिए कि इनमें क्या परिवर्तन आता है, ये मैग्नेट इनके ऊपर कैसा असर करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैसा असर करता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर, ये मैग्नेट है हमारा, इट्स अ हाईली पोलराइज नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायो मैग्नेट। ये दिखने में बहुत छोटा है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैग्नेट है, नैनो एंड बायो टेक्नोलॉजी का नेचुरल मैग्नेट है। तो दिखने में भले ही छोटा है लेकिन काम बड़ा जबरदस्त करता है। अभी मैं आपको पानी को चार्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने पानी लिया और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये पानी चार्ज हो जाता है पलक झपकते ही। और ये पानी जो है सादा पानी लिया मैंने और इस मैग्नेट के ऊपर मैंने रख दिया। जैसे पानी रख दिया ये अभी चार्ज हो गया। अब पानी का एक बूंद मैं इनके हाथ में डालूंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा मैग्नेट है ये लाइट के स्पीड से बॉडी के अंदर जाता है, आयरन के साथ अट्रैक्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है। अब एक पानी का बूंद इनके ऊपर क्या असर करेगा अपन देखते हैं। आपने पहले तो देख लिया कि इनका पहले का डेमोन्स्ट्रेशन हमने चेक किया, बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाए। अब पानी का एक बूंद डालने के बाद इनमें क्या चेंजेस आते, सी द डिफरेंस। जैन साहब वापिस आप यहाँ पर आइए और आपको बिल्कुल टोज एंड हिल ज्वाइंट करना है, टोज एंड हिल टोटल ज्वाइंट। ये पानी का एक बूंद, सिर्फ एक ही बूंद मैं इनके हाथ के ऊपर छिड़कूंगा, सिर्फ एक ही बूंद। 5 बार ऐसा करिए दोनों हाथ से, ओके ठीक है। टोज ज्वाइंट, टोज एंड हिल बोथ ज्वाइंट, एल्बो स्ट्रेट। आपको मैं अभी रजिस्ट करूंगा, प्रेस करूंगा, आपको रजिस्ट करना। 1 2 3 अब इन्होंने रजिस्ट भी बहुत जबरदस्त किया। पहले विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वो रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने पानी का एक ही दम, जैसे आपके सामने पानी रखा कुछ सेकंड, एक पानी का बूंद इनके हाथ में डाला और फर्क सामने है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन और बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर एक मैग्नेट इतनी एनर्जी इनके शरीर में ला सकता है तो हमारी मैट्रेस के अंदर 100-125 मैग्नेट्स होते, वाटर एनर्जी पैड जो होता है उसमें भी 30-30 मैग्नेट होते, हाई इंटेंसिटी के मैग्नेट होते। तो एक मैग्नेट अगर इतना असर कर सकता है तो आप इमेजिन करो क्या हो सकता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये हुआ। अब ये इंडिकेट करता है कि जो अपने को नेचुरल मैग्नेटिक पावर जो मिलना चाहिए थी आज वो उतने प्रपोर्शन में नहीं मिलने के कारण आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया। तो ये मैग्नेट ने क्या किया, इनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाया। शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण इनकी जो ब्लड सेल्स है उनको ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन मिलने के कारण ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए, यानी ब्लड सेल्स में एक एनर्जी आ गई। मैग्नेट मैंने कहा ना लाइट के स्पीड से बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ऐसा नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा लगा, विद इन अ सेकंड इनकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी आई और हम दोनों को फील हुआ। पहले जब हमने डेमो किया तो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाए और बाद में जैसे ही मैंने पानी का बूंद डाला तो डिफरेंस सामने। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आगे जाकर शरीर में मल्टीपल बीमारियां आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है कि बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स भी कम से कम 7 से 8 घंटा रोज सोना है। जब भी आप पानी पियो, आपको ये हमारा जो वाटर एनर्जी पैड है इसका आपको पानी पीना है, इसके अंदर मैग्नेट सारे और मैग्नेट लगे हुए। जब भी पानी पियो आप मैग्नेट का ही पानी पीना है आपको। ये आप गाड़ी में भी रख सकते, ऑफिस में भी रख सकते, जहां पर भी जाओ आप इसको यूज कर सकते। इवन हमारे पास 20 लीटर का भी है, पानी भी पियो, ब्रेसलेट भी पहनो। जब रात को हम सोएंगे तो हमें मैग्नेटिक मैट्रेस पे सोना है। उसके क्या बेनिफिट्स है मैं आपको हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस आपको दिखाता हूँ, उसके सोने के क्या बेनिफिट्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए प्लीज। यस हाउ आर यू मिशेल मैडम, क्या चल रहा है? यस यस हेलो हेलो। तो ये हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है और इसमें दो क्वालिटीज हमारे पास, एक तो है रेगुलर क्वालिटी, एक है प्रीमियम क्वालिटी। तो ये मैं पहले आपको प्रीमियम क्वालिटी दिखाता हूँ। ये हमारी प्रीमियम क्वालिटी की मैट्रेस पैड है,
इसकी थिकनेस पतली होती है, मतलब आपको आपके एग्जिस्टिंग मैट्रेस पे ही उसको बिछाना है। तो हमारी मिशेल मैडम जो है आपको यहाँ पर बिछा के दिखाएगी और उसका आगे का सब मिशेल मैडम समझाएगी। सो ये जो मैट्रेस है ये याद रहे कि हमें गद्दे के ऊपर जरूर बिछाना, और इसके साथ साथ हमें कॉटन की बेडशीट बिछानी बहुत जरूरी है, वरना हमारा ये मैट्रेस खराब हो सकता है। क्योंकि ये पूरा मैग्नेटिक है तो ये जरूर खराब हो जाएगा। तो जरूर याद रहे कि कॉटन की बेडशीट बिछानी बहुत जरूरी है। बेडशीट इसलिए डालनी है क्योंकि हमारा पसीना और बहुत सारे लोगों की एड़िया खराब होती है, एड़िया फटी हुई रहती है, तो जिससे वो फैब्रिक डैमेज हो जाता है। क्योंकि ये एक्सपेंसिव मैट्रेस है तो आपको लॉन्ग ड्यूरेबल रहने के लिए आपको ये मैट्रेस, आपको इसके ऊपर बेडशीट डालना कंपलसरी है, डालना ही है। ये किसी भी साइज में आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर अभी सारे मैग्नेट्स हो गए, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के, नैनो बायोटेक्नोलॉजी के मैग्नेट्स हैं। तो इसके अंदर सारे मैग्नेट्स हैं और पिलो के अंदर भी मैग्नेट्स हैं। पिलो के ऊपर सर रख के आपको सोना है, आप जैसे भी सोना चाहे सो जाओ, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल साइंटिफिक वे से बनाया है। एक रो नॉर्थ पोल, एक रो साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एकदम इसको हम साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब आप सो जाओगे तो ये आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन उसको पुल एंड पुश करने का काम करेगा। जब हम रात को सोते हैं तो 95% हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। हाईएस्ट ऑक्सीजन हमें रात को सोते टाइम ही चाहिए। तो इसके ऊपर सोने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, तो नींद भी अच्छी आएगी, हमारे ऑर्गन पार्ट भी हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको इस मैट्रेस पे सो जाना है, आप जैसे सोते हो सो जाना, सोने के लिए आप अपनी टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड यस मैम, इसमें सिंगल साइज भी आता है, डबल साइज भी आता है। बिल्कुल, सिंगल साइज मतलब 3x6 और डबल मतलब 5.5x6। और प्रीमियम क्वालिटी का रेट भी अलग है, रेगुलर का रेट अलग है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी हम सजेस्ट प्रीमियम क्वालिटी ही करते क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वेरी एक्सपेंसिव। देन इसके अंदर की जो मैग्नेट हमने यूज किए उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा है, उसकी साइज भी ज्यादा, उसकी पावर भी ज्यादा, मतलब रेगुलर से 2.5 से 3 गुना ये मैट्रेस जो है ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपके पास 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने की क्षमता है तो हम तो लोगों को चाहते हैं कि भाई आप प्रीमियम क्वालिटी लो, वाई टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हम हमारे शरीर के लिए ले रहे, हमारे फैमिली के लिए ले रहे, और इसमें एक रेगुलर क्वालिटी है। मिशेल मैडम आप वो रेगुलर क्वालिटी भी अपना लेकर आइए। इसको सिर्फ बिछा देना, आपको एग्जिस्टिंग, आपके एग्जिस्टिंग मैट्रेस पे बिछा देना, कुछ भी नहीं करना है। इसकी एक सी थिकनेस होती है और ये बेडिंग फैब्रिक है पूरा, इसमें हमारा ब्रांडिंग है ये बायोटोरियम का। और सेम इसको भी आपको, मतलब ये तो मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया, आपको दो दो नहीं डालना है जी, लेकिन आपको इसके ऊपर बेडशीट डालना है कंपलसरी। हाँ, अभी वहाँ पे हमारा ब्रांडिंग का स्टिकर है, लेकिन वो स्टिकर नीचे भी रहेगा तो चलेगा, ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, उल्टा भी चलेगा, सीधा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सिर्फ इसमें आपको बेडशीट डालनी है और आप आमतौर पर जैसे सोते वैसे सोना है, मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना सोने का काम करो, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट तो दिख नहीं रहे। नहीं, इसमें मैग्नेट आपको छूने से पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर कॉटन के अंदर होते हो। हाँ। और इसमें छोटे बायो नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट्स होते हो, तो हाथ से आपको पता नहीं चलेगा। हम तो हजारों मैट्रेस बनाते, हमें भी यहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन इसको आप, इसके साथ में एक मैग्नेट का सैंपल हम देते, उससे आप लगाओगे तो एक एक मैग्नेट आपको मिलेगा। ओके। क्योंकि अंदर का मैग्नेट बाहर के मैग्नेट को पकड़ेगा। पहला तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, हर मैट्रेस के साथ हम लोग आपको एक मैग्नेट देते हैं, तो आप इसको लगा लगा के आप चेक कर सकते हो, तो आप गिन भी सकते हो उससे, एक 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 करके गिन सकते हैं। लेकिन हाथ लगाने से आपको जरा भी पता नहीं चलेगा इसमें मैग्नेट है क्या नहीं। हाँ, लेकिन अगर बारीकी से देखो तो पता चलेगा, लेकिन हम मैग्नेट देते। लेकिन इसके ऊपर एक सिंपल मेरे पास सॉल्यूशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, मैग्नेटोमीटर, गॉस मीटर, मैग्नेटिक गॉस मीटर, ऐसा कुछ भी अगर आप डालोगे तो एक एप्लीकेशन आता, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन यहाँ पर अगर आप रखोगे, देखिए ऐसा, तो ये अपने आप यहाँ पे देखो ये अपना ये दिखा रहा है। Okay. इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते। अच्छा, जहां ये देखिए मैग्नेट है वो रेड हो जाएगा। हाँ, वो पूरा फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। अगर जैसे मैं मैट्रेस हटा दूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम डाउन हो जाएगी। ये देखिए पूरा बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके जरिए आप पता लगा सकते। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको तो ये दिखाएगा ही नहीं। अभी समझ लो मैंने इसको साइड में कर दिया। ओके, अभी मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो इसका जरा भी कुछ जो नेचर में जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वही दिखेगी,
लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा ऐसा, तो ये वापस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी दिखाएगा। ये देखिए इस तरह से देखो। तो ये ऐप के जरिए आप पता लगा सकते हैं इसमें कितने मैग्नेटिक, कहाँ पर मैग्नेटिक, ये यहाँ से पता चलेगा। इवन साथ में हम लोग मैग्नेट का सैंपल देते हैं, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। आपको क्या सभी को इस मैट्रेस पे सोना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो आपको हाईएस्ट ऑक्सीजन चाहिए। और जो मैट्रेस और तमाम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे के सारे ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये मैट्रेस के ऊपर सोना है, हमें तो सोना है, हमारे फैमिली को भी इसको इसके ऊपर सोलाना है। हमारे जितने भी दोस्त रिलेटिव्स है उनको भी ये प्रोडक्ट आपको रेफर करना है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है। सारी बातें क्लियर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज क्लियर हो गई। इतने सारे क्वेरीज थे मेरे लेकिन आज आकर देखा इट्स रियली मैजिक। मैग्नेट का क्या मैजिक है और कैसे गंदा हो जाए तो धो सकते हैं क्या इसको? हाँ, इसको आपको धोना नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कपास है और मैट्रेस पैड को कभी धोया नहीं जाता। इसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे अपने इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं, बरसात में भी धूप तो रहती है, तो इसको कुछ एक आध दो घंटे के लिए आप धूप में सुखा सकते हैं। तो जिसमें से इसमें कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस कुछ हो गए तो वो मर सकते हैं। ये हमारा हाइजेनिक प्रोडक्ट है, तो मतलब एक नहीं इसको यूज करना, मतलब अगर कपल यूज कर रहा था उन्हीं के लिए रहेगा ये। हर एक ने अपना इंडिविजुअल यूज करना है। इसको सिर्फ धूप में सुखाना, आप इसको धो नहीं सकते, धोएंगे तो ये खराब हो सकता है। अगर छोटे बच्चे घर में है तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक डाल के उसके ऊपर बेडशीट डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कवर लगा करके हम बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आमतौर पे आप बच्चे छोटे बच्चे घर में होते हो तो प्लास्टिक डालते हो, तो सब प्लास्टिक डाल के आप इसको यूज करो। बाकी अच्छी नींद आएगी इसके ऊपर। और बाकी तो अपना बहुत सारा मैग्नेटिज्म के ऊपर बात हो ही चुका है जी, बिल्कुल सर, कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल। मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ऑक्सीजन लेवल को परफेक्ट करेगा। और बाकी आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चालू रखने का। और सबसे पहला तो हेल्दी लोगों ने इसको पहले लेना है, अनहेल्दी लोगों को तो लेना ही लेना है, कोई छूट नहीं है उसमें। तो ये प्रोडक्ट हर एक की जरूरत है और इसको पूरी दुनिया में हम लोग लेके जा रहे हैं। हमने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी हमारा एक्चुअली 1 से 1.5 लीटर के लिए भी एक मैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हमने बनाया था। अभी हमने 20 लीटर्स के लिए भी बनाया, एक साथ 20 लीटर पानी मैग्नेटाइज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पूरी फैमिली उसको दिन भर यूज कर सकती है। जैसे हमारा 1-2 लीटर के लिए था, वैसा 20 लीटर के लिए भी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। किचन में आइए, किचन में जाना होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, आइए प्लीज। ये अभी एक हमने नया वाटर एनर्जी पैड बनाया, ये हमारा पहला छोटा वर्जन था, अब एक बड़ा वर्जन हमने लाया। पहले हम इसमें 1 से 1.5 लीटर वाटर को मैग्नेटाइज करते थे, अभी हमने पूरे फैमिली के लिए एक 20 लीटर्स का बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हमने लाया है। मैडम इनको आप लगा के दिखाइए, इसका छोटा वर्जन। हाँ, दिस इज अमेजिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये विद इन अ सेकेंड ये पानी को, पूरे 20 लीटर पानी को चार्ज कर देता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर रखोगे उतना पानी ज्यादा चार्ज होगा। वैसे तो वो सेकेंड में चार्ज कर देता है, लेकिन आप जितना रखोगे उतना। ये इस तरह से अलग अलग कलर्स में आता है, इसमें कलर के कोई ऑप्शन नहीं होती है, कलर से तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये अभी आपका 20 लीटर का पानी चार्ज हो गया, अब इसका पानी आपको पीना है। और जो मैंने आपको मैग्नेट के पानी के जो बेनिफिट्स बताए थे वो तो बताए थे। तो इस तरीके से ये 20 लीटर्स के लिए भी हमने बिल्कुल रेडी कर दिया। ये स्मॉल वर्जन है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ये पानी आपको ये इसी के ऊपर लगा होना चाहिए। अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो 2-3 मिनट के बाद ये नॉर्मल पानी हो जाएगा, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप जाओ गाड़ी के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, इसको ऐसा ही रखना है आपको, ये इधर ही लगा रहेगा। हाँ, आप अगर पानी भरते हो तो उस टाइम आप टेम्परेरी निकाल दो, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है, इसको गंदे हाथ नहीं लगाना है। तो लॉन्ग डे आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रखते हो। और जैसे मैंने मैट्रेस को बताया, तो मैट्रेस आप जितना अच्छी तरह से रखोगे तो उतना अच्छा चलेगा। लेकिन इसका कोई फिक्स ड्यूरेबिलिटी वारंटी वैसा कुछ होता नहीं, वारंटी गारंटी होता नहीं। तो आप जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा ड्यूरेबल चलेगा। फिर वो 2 साल भी चल सकता है, 1.5 साल भी चल सकता है, 4 साल भी चल सकता है, डिपेंड्स है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। ओके, तो इस तरीके से सारा है। ये हमारे बॉडी को हील करने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। तो ये पानी, मैट्रेस, ब्रेसलेट, ये तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आपको उसको रेगुलरली यूज करना है। ओके, इसको सर ये बॉटल में प्लास्टिक नहीं, कोई भी मटेरियल चलेगा, कोई भी प्लास्टिक, मेटल, कांच, पूरा कुछ भी, एनी ऑब्जेक्ट में आप पानी रख सकते हो और आप पानी पी सकते हो। ये सर आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके। 24 आवर्स तक वो बॉटल रहनी चाहिए उसके लिए? नहीं नहीं, ये आप पानी तो विद इन सेकंड चार्ज हो जाता है, लेकिन आप जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा।
किस तरह से है सारा। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है। ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है। इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू रेंडर मेडिकल और professional services and should not be used for diagnosis or as a substitute for any healthcare medicines or products. E-Biotorium does not make any therapeutic claims regarding the health benefits of our products. E-Biotorium gives no guarantee or warranty, expressed or implied. Content in this film is not intended to substitute for the advice of doctors and if required, one should consult their own doctors before use.